आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की बहुत ही फेमस स्कूटर के बारे में, जो कि है होंडा एक्टिवा 6G BS6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, HET टेक्नोलॉजी के साथ आता है, विच इज़ द होंडा ईको टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आपको होंडा 6G का, एक्टिवा 6G का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है, बहुत वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है इंडियन मार्केट में बात करी जाए। लगभग 8 कलर्स में आता है ये, काफ़ी अच्छी कलर चॉइस आपको देखने को मिलेगी स्कूटर रेंज में। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन कलर्स है, बहुत पेंट क्वालिटी लिटरली काफ़ी अच्छी है होंडा की एक्टिवा की। एंड यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो है लगभग 67,400 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ डिसेंट प्राइस लिस्ट। और यहाँ पर आपको LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स अभी भी आपको बल्ब ही मिलते हैं, LED नहीं मिलते हैं। एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको अभी भी स्टील रिम्स ही मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। एंड जो ब्रेक्स हैं वो लगभग 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं दोनों फ्रंट और रियर में, और टेलीस्कोपिक फ्रंट एंड देखने को मिलता है। पेंट की क्वालिटी मैं फिर से कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी पेंट की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी स्कूटर के अंदर। अगर बात करी जाए स्कूटर के हैंडल बार्स की, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न और पास बटन। एंड जो बटन्स की क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है स्पेशली, वो डिसेंट है। यहाँ पर आपको मिलेगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स और आई बीम के आपको लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा किल स्विच और इग्निशन स्विच। किल स्विच काफ़ी कम स्कूटर्स में देखने को मिलता है आजकल। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल लिड ओपन करने का, सीट ओपन करने का, और इग्निशन और लॉक ओपन करने का। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमने ऑन की फ्यूल लिड, तो ये काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी स्कूटर से इंस्पायर होकर होंडा ने फ्यूल लिड बाहर की तरफ कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। एंड सीट अब ओपन करते हैं, लेट्स ओपन द सीट नाउ एंड सीट की स्पेस देखते हैं। सीट की स्पेस पहले जितनी ही लगी मुझे डिसेंट स्पेस है, मतलब एक नॉर्मल साइज़ हेलमेट इसके अंदर आ जाता है। एंड स्पेसिंग आपको डिसेंट मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आपको सामान भी मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट एड किट हो गया। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्पेसिंग मामले ठीक है, सीट जो क्वालिटी है, कुशनिंग स्पेशली अच्छी है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कुशनिंग जो इस सीट के अंदर लगी। एंड लगभग 5.3 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एंड सीट में कुशनिंग जो है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, बट हाँ इट इज़ वेरी ओके आई वुड से। एंड रियर में भी हमें स्टील रिम्स मिलते हैं, 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है रियर में भी। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है। एंड साथ में आपको यहाँ पर बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, ग्रैब रेल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हर एक्टिवा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 45-50 km/h का माइलेज आराम से देती है स्कूटर। एंड अगर वेट की बात करी जाए तो 107 kg का वेट है। एंड अगर बात करी जाए इंजन की इस बाइक की, एक स्कूटर की, तो BS6 कंप्लायंट इंजन है, 109.51 cc का आता है, लगभग 7.68 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है, 8.79 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। रियर में मिल जाता है यहाँ पर मोनो शॉक, बट जो रियर सस्पेंशन है वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन है, मतलब स्टिफनेस की तरफ ज़्यादा है सस्पेंशन, थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट होना ज़रूरी था, बिकॉज़ ये एक स्कूटर है एंड स्कूटर तो सिटी में ही चलता है, जहाँ पर पॉट होल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी कोई नहीं, राइड क्वालिटी डिसेंट है, मतलब ठीक है, बहुत बेहतरीन नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छी की तरफ मैं ही कहूँगा। बट यहाँ पर जो मॉडर्न फीचर्स है वो कहीं ना कहीं ये स्कूटर लैक करता है, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी सारे स्कूटर में हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें काफ़ी सारे स्कूटर्स में देखने को मिल जाता है। बट कोई नहीं, इस प्राइस रेंज में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड बाकी जो सीट हाइट है वो है 692 mm, एंड जो चैसी टाइप है वो अंडरबोन है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो देखने को मिलेगी वो 171 mm की मिलेगी, तो आराम से आप सिटी में पॉट होल से एंड स्पीड ब्रेकर से आप यहाँ निकल जाएंगे। एंड काफ़ी सारे पार्ट्स इसके मेटल के हैं, तो जो बॉडी की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, मैं यहाँ नोट करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बॉडी क्वालिटी काफ़ी सारे स्कूटर की ख़राब आती है, बट एक्टिवा 6G की बॉडी क्वालिटी मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी एक मजबूत बॉडी क्वालिटी लगी। बाकी यह है स्कूटर का रिव्यू, बढ़िया स्कूटर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कहीं मत जाएगा, इस वीडियो को शेयर करें भाई कहीं मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली बनता है, उस लाल कलर के बटन को तोड़ मोड़ो जो करना अगर वो जाना चाहिए, साथ में घंटे का दबाए बगैर मत जाइएगा।
एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स अमेजिंग माइक स्टोरीज यहाँ लिख के आ रहा होगा इंस्टाग्राम का हैंडल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू सून नेक्स्ट डे, एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।